3000 फुट से छलांग मारते हैं पैराट्रूपर, केवल इस विश्वास पे कि मेरी छतरी खुल जाएगी। 3000 फुट से छलांग मार देता है। जय हिंद साथियों, जो साथी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो या इंडियन आर्मी की द पैरासूट रेजिमेंट के मतलब की जो जुनून रखते हैं कि हम कब मैरून बेरेट पहनेंगे और कब हमारी छाती पे पैरा का बैज लगा होगा, कब यहाँ पे स्पेशल फोर्स लिखा होगा, तो उनके दिमाग में एक चीज हमेशा आता है पैरा जंप को लेके, या आप पैरा ट्रूपर्स या पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की बात करें, दोनों एक ही है, यानी कि पैरासूट रेजिमेंट का पार्ट है स्पेशल फोर्स भी और पैरा ट्रूपर्स भी। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक दिन मैंने किसी ने मुझे मैसेज किया था कि सर मान लिया जाए कि अगर आप 3000 की हाइट में हो और आपका पैरा ड्रॉप हो रहा होगा या पैरा जंप हो रहा होगा और किसी की छतरी ना खुले तो क्या होगा, तो आप इमेजिन कीजिए 3000 की हाइट से कोई नीचे आएगा और उसका अगर पैराशूट ना खुले तो उसका मतलब समझ लीजिए कि हड्डियों का मतलब कुछ बचेगा भी नहीं, वो भी पूरी टूट के बिखर जाएंगे, यह हाल होता है। लेकिन उसके बाद में फौज में सबसे अच्छी ड्रिल क्या होती है, ये इंडियन आर्मी का ही नहीं पूरे ओल्ड वर्ल्ड में पैराट्रूपर्स का एक ड्रिल होता है कि अगर मान लिया जाए इनकेस कुछ प्रकार का हादसा होता है तो वापस सेम ट्रूप्स सेम एयरक्राफ्ट वापस आते हैं और दोबारा से पैरा जंप करते हैं ताकि फौज के अंदर में कभी उनके दिल में डर ना घुस जाए या तो उनके मन में कहीं से भी एक नकारात्मक कोई पॉइंट ना है कि यार मेरा भी अगर पैराशूट ना खुला तो क्या होगा। आप हमारे इंडियन आर्मी के सबसे बेहतर मोटिवेटर जनरल चिड़ी बख्शी साहब का एक वीडियो देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे पैरा सब कमांडो और पैरा ट्रूपर्स के लिए एक शब्द लिखना ना भूलें, जय हिंद जय भारत। आपके ठीक सामने लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब हैं, वो पैरा ट्रूपर्स हैं। पैरा ट्रूपर्स को एक उनकी एक रस्म होती है, एक उनकी ड्रिल होती है। 3000 फुट से छलांग मारते हैं पैरा ट्रूपर, केवल इस विश्वास पे कि मेरी छतरी खुल जाएगी। 3000 फुट से छलांग मार देता है पैरा ट्रूपर, फौज का पैरा ट्रूपर, इसी विश्वास पे कि मेरी छतरी खुल जाएगी और मैं नीचे जाके अपने दुश्मन से लड़ूंगा। कई बारी हादसे भी होते हैं, छतरी नहीं खुलती और उसको बोला जाता है रोमन कैंडल। हिसाब लगाइए, जो इंसान 3000 फुट से गिरा है उसकी तो हड्डियां उसके कंधों से बाहर आ जाती, पांव की हड्डियां टांग की हड्डियां, इतना जोर का इंपैक्ट होता है, कुछ बचता नहीं जिस्म का। लेकिन जब भी ऐसा हादसा होता है तो हमारे पैरास की और दुनिया भर के पैरा ट्रूपर्स की ड्रिल है कि पूरी की पूरी स्टिक जो उस जहाज में थी उसे एकदम दोबारा एयरफील्ड ले जाया जाता है और उसी दिन वो दोबारा जंप करते ताकि उनको कभी झटका ना लगे, उनके मन में डर ना बैठ जाए कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, हो जाए कुछ भी हो जाए, वो दोबारा जंप मारता है उसी दिन, दोबारा जहाज में बिठा के उड़ा के 3000 फुट से फिर बोलते हैं सबके सब एक के बाद एक गो है। और ठीक इसी तरह मैं आपको अपना व्यक्तिगत कहानी बताना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई साहब थे, बहुत टॉल हैंडसम, बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी, वो सेना में भर्ती हुए और सन 1965 में वो 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कैप्टन थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत होनहार थे, काफी उम्मीद थी कि वो ऊपर जाएंगे। 1965 के युद्ध में हम लोग, सितंबर का महीना था, पूरी खानदान पूरा घर चिंतित था। रोज रात को, उन दिनों टीवी शीवी नहीं होता था, हम लोग रेडियो ऑन करके बैठ के सुनते रहते थे। तो वो मेरे पिताजी को भजन सुनने का बहुत शौक था, तो मेरे भाई साहब जो थे वो मेरे पिताश्री के लिए एक टेप रिकॉर्डर लाए थे, उन दिनों का छोटा टेप रिकॉर्डर स्पूल वाला, तो उस पे बैठ के खबरें सुनने के बाद वो भजन सुन रहे थे। एकदम से बाहर आवाज आई पोस्टमैन और वो बाहर दौड़े हुए, वो बाहर गए और वो दौड़ते हुए अंदर आए और ऐसे मत्थे पे हाथ मारा और सबसे पहले वो टेप रिकॉर्डर बंद किया और वो सिर पकड़ के बैठ गए, कुछ नहीं बोले।
तो मैंने उनसे, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मेरी माँ आई, बोले क्या हो गया, वो बात नहीं कर रहे। तो मैं उनके पास गया, पिताजी क्या हुआ, हुआ क्या? तो माता ने पूछा कि क्या कोई खबर रेडियो पे तो नहीं आई ऐसी? मैं कह नहीं, रेडियो पे तो खबर ठीक थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने मेरे को वो टेलीग्राम थमा दिया, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन ईसी सो एंड सो किल्ड इन एक्शन, बस आपका बेटा शहीद हो गया, हमें खेद है आपको इन्फॉर्म करते। मतलब ये एक इतना सा गुलाबी टेलीग्राम के ऊपर एक लाइन आती है और वो एक जिंदगी खत्म कर जाती। बहुत रोना धोना हुआ, सारे जो नेता गण थे कहां कहां के, वो हमारे घर पहुंच गए, ठीक है साहब। लेकिन आप जानते हैं हमारे जैसे वर्दी वाले, कोई भी रंग हो वर्दी का, खाकी, नीला, हरा, सफेद, कॉमोफ्लाज पैटर्न, सब जानते हैं कि जिस साल शहादत होती है, जिस महीने शहादत होती है, तो पूरी दुनिया आपके घर टूट आएगी। हर कोई जताने आएगा कि साहब मैं वहां था, मैं वहां गया। और उस दिवाली हमारे घर बिल्कुल अंधेरा था, ना कोई आगे पूछने वाला, ना कोई पीछे पूछने वाला। होली में हम लोग चुपचाप बैठे थे। ये हम फौजियों की, वर्दी वालों की फितरत है, कोई बात नहीं। उसी साल 65 में मेरे बड़े भाई साहब शहीद हुए और 66 में बच्चों मैंने चुपचाप से बगैर माँ बाप को बताए अपना एनडीए का एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैंने भर के फॉर्म भेज दिया। उसी अगले साल सितंबर 1965 में भाई साहब की शहादत हुई थी, अगले साल हमने वो भर के भेज दिया। और जब रिटन एग्जाम का टाइम आया तो मैंने बोला मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूं। मैंने वैसे झूठ नहीं बोला, मैं फौज में दोस्तों को मिलने तो जा रहा था, तो मैं दिल्ली जाके इम्तिहान दे आया। और जब वापस आया तो मैं रिटन में थ्रू हो गया। तो बच्चों मेरे को उस वक्त बताना पड़ा घर में कि अब मेरा एसएसबी का टाइम आया, और एसएसबी का कॉल आया मैसूर में। तो मतलब वहां ये भी नहीं सट्टा मार सकते थे कि मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मैसूर में मेरा कोई दोस्त नहीं था उस वक्त। और हम वहां गए तो जब फादर को पता चला तो वो तो बरस पड़े। वो बोले यार मेरे खानदान ने ठेका ले रखा है कि एक के बाद एक हम अपने लड़के भेजें मरने के लिए, और खानदान खत्म हो गए क्या, उनके लड़के नहीं है ये वो। मैंने कहा पिताजी मैं और खानदानों से मुझे क्या लेना, मैं तो फौज में जा रहा हूं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे भाई की लाश की दुर्गति हुई है, और जिस सिपाही के साथी की या भाई के लाश की दुर्गति हो उसके लिए अनिवार्य है कि वह बदला ले अपने दुश्मनों से। मैंने कहा आप मेरी किस मुंह से चिता जलाएंगे जब तक हम अपने माथे पे ये लगा कलंक नहीं हटाएंगे कि हमारे भाई की लाश के साथ दुर्गति करी, चीथड़े उड़ गए उस लाश के। तो साहब मैं अपने रिटन एग्जाम के लिए गया, ठीक है साहब, और वो पास हो गया। अब वो एसएसबी के लिए जाना था, तो फादर बहुत विचलित हुए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, मैं ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में गुजारता था, मेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी वो टर्नआउट भी ठीक नहीं होता था। तो फादर ने बोला तू तो फौज में भर्ती हो ही नहीं पाएगा, तू सिलेक्ट नहीं होगा, तू कर ले कोशिश। वो चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं, मैं बाबू बनूं, मैं अच्छी नौकरी करूं, सेक्रेटरी सेक्रेटरी बनूं कहीं। तो उन्होंने बोला तू जा, तू होगा नहीं, लेकिन और तेरा अच्छा है, तेरी एक तेरा ड्राई रन हो जाएगा आईएएस की इम्तिहान के लिए। और हर एक बाप को शौक होता है अपने अपने बेटों से, तो उनका सोच था कि मैं आईएएस के इम्तिहान में थ्रू होके सेक्रेटरी बनूंगा, एक बेटा आईएएस में भेजेंगे, तो तू पास ही नहीं होगा। जब बच्चों रिजल्ट आया तो मैं पूरे इंडिया में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर 2 था। और अब मैंने पिताश्री से बोला कि पिताश्री अब तो जाने दीजिए, अब तो जाने दीजिए। तो उनको मन मार के हमें फौज भेजना पड़ा। और देखिए किस्मत, मेरा बैच है 1971 का बैच, ठीक है, 1971 द बैच ऑफ 71। हमको 14 दिसंबर
1971 को कमीशन मिलनी थी। अक्टूबर में आईएमए के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, हमारे जो एडजुटेंट साहब ने हमें बुलाया और बोला कि बच्चों तुम्हारी जेंटलमैन कैडेट्स आपकी ट्रेनिंग बहुत हो चुकी, आपको एक महीना पहले कमीशन किया जाएगा। बड़े लड़ाई होने का अंदेशा है, हम चाहते हैं कि आप लड़ाई में हिस्सा लो। और हम लोगों को 14 नवंबर 1971 को कमीशन मिली, 10 दिन की छुट्टी मिली माँ बाप को मिलने। आप अंदाज लगा सकते हैं मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। अभी कुछ साल पहले उनका बड़ा बेटा 1965 के युद्ध में शहीद हुआ था और उसके ठीक 6 साल बाद उनका दूसरा बेटा युद्ध में जा रहा था। तो खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, भगवान के भरोसे छोड़ दिया और माँ ने भी कहा बेटा आशीर्वाद, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, अपना फर्ज करो, गो एंड डू योर ड्यूटी। हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे और हमारे जवान वहां खड़े थे, उनके कंधों पे बंदूकों पे संगीन लगी हुई थी बगैर स्कैबर्ड के और चमचमा रही थी वो सर्दी की धूप में, ठीक है साहब, और सील हेलमेट सबने डाली हुई थी, पूरा सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन भरा हुआ था इन लोगों से। और हम जैसे ही उतरे तो हम कोई 20-25 थे मेरे बैच के, हम एक दूसरे को गले मिल रहे थे कि शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। लेकिन साहब उस वक्त हमारे जवान आए, बोले साहब जल्दी करो, पलटन तो बांग्लादेश में है, ये बाद में मिल लेना। बोले सामान सामान, बोले साहब सामान आ जाएगा, ये स्टील हेलमेट पकड़ो और ये है आपकी स्टैंड मशीन कार्बाइन, इसका साहब वो स्कैबर्ड उतार लेना, कहीं भी रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। अपनी सर्विस की पहली रात हम लोग लड़ाई में थे, मेरे कितने सारे साथी शहीद हुए, कितनों की टांगे गई, कितनों के हाथ गए, प्लास्टिक की टांग पे लंगड़ा थे चलते हैं वो आज। लेकिन बच्चों हमको बड़ा फख्र है कि मात्र 13 दिन में हमारी फौजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। हमारी फौजें 3 तरफ से बढ़ती हुई 550 किलोमीटर का लंबा फासला पार करती हुई 4-5 महानदियां पार करी, गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा, 6-8 किलोमीटर चौड़ी नदियां हेलीकॉप्टरों से पार करी। हमारे छाता सैनिक पैराट्रूपर्स तांगेल पे उतारे गए। मेरा बैचमेट था सेकंड लेफ्टिनेंट लाली गिल, उसने कभी जंप नहीं किया था, पैरा ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, और उसको बोला गया, और वो वहां पे जब पलटन जा रही थी तो सीओ ने बोला तूने तो पैरा जंप नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं की है, लाली गिल तुम नहीं जाओगे। कोई और होता तो बोलता हाँ चलो यार खैर मनाई, घर जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। लेकिन वो लड़का 21 साल से भी कम उम्र, वो अपने सीओ के पास गया, बोला सर आपको मुझ में विश्वास नहीं, क्या हुआ अगर मैंने पैरा ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन मैं कूदूंगा लड़ाई के मैदान में, सर आई विल नॉट लेट माई बटालियन डाउन। आप बताइए सर मैं कैसे अपने जवानों के आंखों में आंखें डाल के देखूंगा अगर वो बोले कि साहब आप तो लड़ाई से पीछे हट गए थे। मैं पीछे हटने का लाचन नहीं लेना चाहता सर, मैं कूदूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। तो उसने बोला ओके लाली, ओके सन, यू विल जंप। और पहला जंप अपनी जीवन का, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर कुछ, लोगों ने उनको समझाया और वो जहाज से 3000 फुट से छलांग मारी, और जब वो नीचे उतरे तो सही सलामत और लड़ाई में बड़ा बखूबी से हिस्सा लिया। तो ये हम फौजियों की फितरत है कि जब भी कोई दिक्कत आती है, युद्ध में नुकसान होता है, तो फौज कभी रुकती नहीं।